क्वेश्चन नंबर देखिए फटाफट से जवाब दीजिए थोड़ी सी स्पीड अब हम पकड़ लेंगे नितिन कह रहे हैं हेलो मैम नितिन हियर फ्रॉम छत्तीसगढ़ अंबिकापुर आपके सपोर्ट की वजह से मैं 28 सीडीपी में और ओवरऑल 120 स्कोर किया हूं यू आर इंस्पिरेशन थैंक यू नितिन बहुत बढ़िया देख रहे हो विनोद नितिन कितने अच्छे नंबर लेकर आ रहे हैं खैर छोड़िए क्वेश्चन नंबर सिक्स बता दीजिए नितिन ऑल द बेस्ट आगे के लिए होल्डिंग अ पेंसिल एग्जाम्पल ऑफ डैश स्किल वाइल्ड अ फुटबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्किल यानी एक पेंसिल को पकड़ना ये जो पेंसिल मैंने पकड़ी हुई है आई मीन पेन है ना बोलो पेंसिल <laughs> ये मैंने अभी कल परसों सीखा है अपने बहन भाई से है? बताओ तो पेंसिल को पकड़ना पेंसिल को पकड़ना किस कौशल का उदाहरण है और फुटबॉल फुटबॉल को धकेलना या किक करना किस एक स्किल का उदाहरण है फटाफट से बताओ बोल दिया पेंसिल ठीक है आपकी क्लास कैंसिल बकवास कर चलो आओ इधर फाइन मोटर स्किल का उदाहरण क्या है ये पेन को है। मतलब सूक्ष्म। तो पकड़ना क्या है फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है फिर हम बात करेंगे किसकी फुटबॉल को किक करना यानी आपकी लेग्स की मसल का इस्तेमाल हुआ आपके शरीर की बड़ी मसल्स का जहां इस्तेमाल है वो ग्रॉस मोटर स्किल है तो यहां पे क्या बात हुई है पेंसिल को पकड़ना ग्रॉस फाइन मोटर और किसको पकड़ना फुटबॉल को लात मारना क्या है ग्रॉस मोटर क्योंकि उसमें लेग्स लेग्स की 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 और और आर्म्स आर्म्स अगर मसल्स का का यूज हो रहा है तो वो मसल जैसे भागने में यानी रनिंग में जंपिंग में है ना और uh, आपका ये किकिंग ऑफ फुटबॉल ये सारी चीजें ग्रॉस मोटर में आएंगी फाइन में आपका लिखना पढ़ना पढ़ना, पढ़ना लिखना बेसिकली राइटिंग ड्रॉइंग पेंटिंग ये ये सारी चीजें निटिंग बुनाई ये सब फाइन में आएंगे ठीक सोशल और इमोशनल का यहाँ रोल नहीं है है ना तो ए ऑप्शन इज ओनली राइट ऑप्शन ओवर हियर हंसते नहीं हो आजकल आप लोग बहुत सीरियस हो गए हो, मुझे लग रहा है। या तो ये कॉमेंट्स आगे पीछे चल रहे हैं मेरे जोक को आपने वेस्ट कर दिया अब मैं बहुत शर्मे नौ ये पीजे मारने पर अगली बार मैं अच्छा जोक जोक्रैक करूंगी देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए फटाफट से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट विकास के विषय में कौन सी बात सही नहीं है यानी डेवलपमेंट के बारे में कौन सी बात सही नहीं है बोलो पेंसिल तेरी शादी कैंसिल तनु कह रहे हैं बहुत बढ़िया खेल खेल लो लो देखो इधर आ जाओ अगर हम बात करें अगर हम बात करें लो हंस दिया बहुत बढ़िया अनुज बहुत ही अच्छा आंसर भी दे दो अब इसी बात पे पर सीबीटी मोड वाले पेपर हैं जो अभी 2023 में खत्म हुआ है फेब्रवरी में देखिए और इसमें मैं अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन कौन सी बात डेवलपमेंट के बारे में गलत है सही नहीं गलत है प्याजे लिखा होता है तो सही हो जाएगा है ना और बाकी लोग भी जो भी स्टेजेस की बात करते हैं वो सब डिस्कटिन्यूस मानते हैं बट डेवलपमेंट के विषय में प्याजे ही जनरली बात करते हुए मिलते हैं चिल्ड्रन डेवलप चिल्ड्रन डेवेलप एट डिफरेंट रेट्स ये बात तो सही है दर भिन्न होती है डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर मतलब हेरिडिटी नर्चर मतलब environment, यानी वातावरण वातावरण एवं अनुवांशिकता का गुणनफल है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली बिल्कुल सही बात है एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में एक क्रम में होता है विकास ऐसा नहीं है अचानक से एक दिन आप छह फीट हाइट हो गई कल चार फीट थी ऐसा नहीं होता एक ऑर्डर होता है एक सीक्वेंस होता, होता है अचानक से आप बूढ़े नहीं हो जाएंगे बूढ़े होने से पहले आपको बच्चा होना पड़ेगा ऐसा नहीं होगा बचपन बाद में आया बढ़ापा पहले आ गया कई लोगों के लिए मानसिक रूप से ऐसा हो सकता है तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस या अनिरंतर होता है ये हम नहीं मानेंगे ज्यादातर लोग यही मानते हैं यानी सिद्धांतकार के डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वूम टू टूम जाता है लाइफ लॉन्ग होता है सही है बात आगे बढ़ते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ प्ला, प्लास्टिसिटी भी कह सकते हो आप कि जीवन पर्यंत चलता है क्वेश्चन नंबर ट है ऑल दो ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज लॉजिकल रीजनिंग आर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्टडी अंडर डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट बहुत प्यारे प्यार क्वेश्चन करेंगे आपको इस टॉपिक से नए क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि जितना भी घुमा फिरा के लेंदी क्वेश्चन बना सकते हैं बना दिए हैं ठीक है ना क्लियर है ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे भाई बीच बीच में जो टफ लगेंगे आपको क्लास कितने बजे तक होगी पढ़ने में कितने आंसू आते हैं ना आप लोगों को है सबको तो नहीं खैर पूछते हो कभी खाते हुए कब तक खाएंगे टेस्ट आ रहा है तब तक खाएंगे गोलगप्पे एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा है क्लास में पूछना है कब तक होगी मैं यहाँ पांच घंटे से ले रही हूँ तब से तो हुआ नहीं कुछ दिक्कत इनको एक क्लास लेने में समस्या है, है? चलिए देखिए अगर हम बात करें सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग बिल्कुल सही बात है पूछा है कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है इंटर रिलेटेड है ओवरलैपिंग है जैसा एक और क्वेश्चन आया था येट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ये बात हम कर चुके हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज लिखा हो मेंटल एबिलिटीज लिखा हो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस लिखा हो सब क्या है कॉगनेटिव डेवलपमेंट का हिस्सा है जो भी काम दिमाग से होगा वो कॉगनेटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगा बौद्धिक विकास के अंदर आएगा संज्ञानात्मक विकास के अंदर आएगा जैसे बौद्धिक क्षमताएं कौन सी कौन सी तार्किकता या तार्किक विचार यानी लॉजिक दिमाग से लगता है ना लॉजिक ठीक लॉजिक हो गया या इसके अलावा इन्होंने दिया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग बस एक ही इन्होंने दिया है अदरवाइज इसमें थिंकिंग रीजनिंग ये सब भी हो सकता था और परसेप्शन मेमोरी जो भी काम दिमाग से होते हैं वो सब संज्ञानात्मक विकास में आते हैं इसी के बारे में प्याजे ने थ्योरी दी है दिमाग के विकास के बारे में ही इसी से नॉलेज बिल्ड होती है और वाइगोस्की ने भी इसी के बारे में थ्योरी आपकी दी है ब्रूनर भी इसी की बात करते हैं ठीक है ना चलिए खैर तो लॉजिक कोई शरीर में थोड़ी होता है क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए फटाफट से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर नाइन देखिएगा ड्यूरिंग चाइल्ड हुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट एज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन यानी कि अर्ली चाइल्डहुड पता है आपको अर्ली चाइल्डहुड भी नहीं ड्यूरिंग चाइल्डहुड लिखा है और उधर लिखा है प्रारंभिक बाल्य हिंदी और इंग्लिश में आजकल ये गड़बड़ करते रहते हैं दो से छह वर्ष की बात हो रही है इसका मतलब है ना अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यवस्था की बात हो रही है तो ड्यूरिंग चाइल्ड हुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी

दुनिया में कैसे रहते हैं क्या खाते हैं कैसे किसी को नमस्ते करते हैं कोई घर पे आता है तो पानी पिलाते हैं ये जो भी सामाजिकरण के तरीके हैं यानी समाज में रहने के सोशलाइजेशन मतलब हम एक सामाजिक मनुष्य बन पाए समाज में कैसे रहते हैं वो सीख पाए करना वो हमें सबसे पहले कौन सिखाता है परिवार सिखाता है है ना परिवार मिनिएचर वर्जन है किसका सोसाइटी का तो फैमिली प्राइमरी इसमें हो गई और बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी स्कूल तो स्पेशली ठीक वो सेकेंडरी में आएगा इंपॉर्टेंट है बट सेकेंडरी आस्पेक्ट में आता है क्वेश्चन फटाफट से बहुत ही प्यारा question. इसने हाँ, आप में से भी किसी का का तो नाम नाम होगा ही या कई लोगों का नाम हो सकता है क्योंकि हजारों संख्या में आप अभी हैं हैं कि कितने लोग देख रहे और स्नेहा हाइट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड नाउ हर हैंड कैन ईजिली रीच द हैंडल ऑफ हर लॉन्ग कप फ्रॉम विच शी कैन ओपन दबर्ड वेरी इजिली स्ने की बढ़ रही है, है ना? हमारे वाली स्नेहा की तो बढ़ गई होगी जितनी बढ़नी होगी क्योंकि कोई दे रहा है, तो तो बढ़ गई होगी अब तक ठीक तो वेरी फास्ट एंड नाव हर हैंड कैन ईजिली रीच द हैंडल ऑफ हर लॉन्ग कबर्ड तो जिस जो अलमारी है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं वो उसका हैंडल तक उसका हाथ पहुंच जाता है पहले नहीं पहुंच पाता था तो अब ये स्नेहा चेंज इन हाइट इज कॉल्ड स्नेहा हाइट में परिवर्तन को क्या कहेंगे बताइए हाइट में परिवर्तन पूछा है हाथ से अलमारी खोलने को नहीं पूछा है क्या है वो फिर ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा क्योंकि आम का प्रयोग हो रहा है ठीक है ना ग्रोथ है ये क्यों क्योंकि हाइट की बात हो रही है चेंज इन हाइट मेजरेबल यूनिट्स में जिन चीजों को मापा जा सकता है जिन परिवर्तनों को वो वृद्धि कहलाते हैं और हाइट क्या है मेजरेबल है तो हाइट का बढ़ना वेट का बढ़ना शेप का बढ़ना या कम होना साइज का कम होना या बढ़ना क्या है ग्रोथ का हिस्सा है डेवलपमेंट क्योंकि इसमें क्वांटिटेटिव या मेजरेबल या परिमाणात्मक परिवर्तन आते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं आपके स्ट्रक्चर में बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज आना वहीं विकास में आपकी समझ में आपके इमोशंस में आपके दिमाग में ये सारे परिवर्तन आना यानी क्वालिटेटिव चेंजेस Well कहा जाना है, है, आप, आप है पढ़ाई तो ऐसे भी हो रही है ना अच्छे से थोड़ा माहौल लाइट रहेगा तो आपको समझ में भी आएगा देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ईच चाइल्ड यानी प्रत्येक बच्चे की विकास की दर बताइएगा फर्स्ट ऑप्शन है इज एट टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन एंड डज नॉट प्ले एनी मच रोल इन इट भैया ये कह रहे हैं विकास की दर तो निश्चित हो जाती है गर्भ के समय ही और अब कोई भी एनवायरमेंट का फैक्टर इस पर कुछ नहीं कर पाएगा मतलब बच्चों को खाना पिलाना पार्टी कराना सब बंद कर दो क्योंकि हेरिडिटी ने सब कुछ निश्चित कर दिया है गर्भ के समय ही एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है तो ये हो गई निपट मूर्खता की बात फिर आते हैं बी ऑप्शन पे अनफोल्ड इन अ डायनेमिक मैनर यानी परिवर्तनशील चेंजेबल मतलब ये परिवर्तनशील है अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंत क्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है जो दर है आपकी अगर आप बच्चों को अच्छा खिला पिला रहे हैं अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो विकास अच्छे से होगा दर बढ़ जाएगी तेजी से वृद्धि और विकास होगा उसको ऐसी एक्टिविटीज करा रहे हैं जिससे उसका दिमाग अच्छा डेवलप हो तो क्या होगा

देखिए कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड एट ऑल सिंस इट इन अ रैंडम मैनर यह कहना गलत होगा कि बिल्कुल प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन है यानी अनुमान का सिद्धांत है विकास के सिद्धांतों में से एक कि हम बच्चे की आज के प्रेजेंट की गति को देखते हुए या एक्टिविटीज को देखते हुए टीचर और पेरेंट्स कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास किस दिशा में जाएगा या फिर वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है भाई हम देखते हैं बचपन से एक बच्चा है ड्राइंग बहुत अच्छी करता है तो हमें पता है यार इसको इस तरह इस तरफ लेके जाओ और ये बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट बन सकता है ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं एज अ टीचर या पेरेंट के रूप में कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है तो हम उस तरफ देख सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं कि ये अच्छा करेगा लेकिन एक्यूरेटली हंड्रेड परसेंट प्रोडिक्शन कोई नहीं कर सकता ईश्वर नहीं बन सकते आप ठीक तो ये डायनेमिक होता है परिवर्तनशील होता है टाइम के साथ अनफोल्ड होगा एक्यूरेट प्रोडिक्शन संभव नहीं है और हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रोडिक्ट नहीं किया जाता क्या किया जा सकता हम कहते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक डायलॉग फेमस है चलो अब नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे कई लोगों को स्पीड की चिंता है कल से नौ बजे क्लास शुरू होगी और किसी ने कहा कि स्पीड में चलो तो देखना फिर क्या ही कर लेंगे वैसे इतनी दूर से ब्लॉक करने किससे वह ब्लॉक भी नहीं करते यार बुरा लगता है देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखिए इन दी फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट दी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं इस पर एक नया क्वेश्चन भी आज है ये तो आप दो सेकंड में जवाब देखे फटाफट से निकलो बताओ फटाफट से आप सोते कब हो नींद से हम मरे जा रहे हैं हाँ मैं दिन में सोती हूं ना <laughs> देखो एक बार मस्तिष्क नमनीयता नमनीयता मतलब प्लास्टिसिटी चेंजेबल फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड नहीं है रिजिड चीज टूट जाएगी लेकिन प्लास्टिक है दैट मींस आपको पता है प्लास्टिक इजीली टूटता नहीं है तो प्लास्टिसिटी जो है दैट मींस फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें लचीलापन है हमेशा चलता रहेगा तो इसका जो सही उत्तर है बात है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी यानी ब्रेन जो है आपका प्लास्टिक इन नेचर है फ्लेक्सिबल है चीजों को सीखने के लिए और सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव होगा वो होगा आपका चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के टाइम पे क्योंकि एडोलेसेंस के अंत तक जाते जाते पंद्रह सोलह साल की उम्र तक मैक्सिमम जो डेवलपमेंट आपके ब्रेन का वो हो जाता है ठीक तो सेंसिटिव पीरियड पूछे ब्रेन प्लास्टिसिटी का या ब्रेन डेवलपमेंट का तो भैया अर्ली चाइल्डहुड से लेके चाइल्डहुड से लेके पूरा सेंस तक जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी और अगर पूछे लैंग्वेज के बारे में तो वो अर्ली चाइल्डहुड सब में सेम होता है इन्फ्लुएंस नहीं करता है एनवायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता एक ही डोमेन जरूरी है ये सब बेकार बातें हैं ये हम कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिएगा एक बार फटाफट से नया क्वेश्चन एकदम फ्रेश क्वेश्चन नंबर थर्टीन है फैक्टर्स रिलेटेड टू हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोर्सेज फ्रॉम एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स यानी कैसे जेनेटिक्स से आनुवांशिकता के तत्व और वातावरण के तत्व क्या करते हैं क्या रोल है इनका बताइए बताइए फटाफट से बताइए अभी शिपरा कुछ नहीं कह सकते इस कोर्ट केस लटका हुआ है पहला ऑप्शन है ऑन डेवलपमेंट यानी विकास की प्रक्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता आनुवांशिकता और वातावरण के कारक का फिर पड़ता किसका भैया दो ही तो चीजें जिनका आप प्रोडक्ट हो तीसरा कुछ नहीं है आपके जीवन में जो भी आज आप हो या तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट या फिर दोनों का प्रोडक्ट हो आप दोनों ने अन्योन क्रिया करके जो एक प्रोडक्ट दिया है वो आप हैं या तो आपको हेरिडिटी से मिला होगा चाहे वो आवाज हो चाहे वो आपकी शक्ल हो या फिर एनवायरमेंट से आपने गेन किया है कि बोलना कैसे है इन दोनों का ही प्रोडक्ट होगा तीसरा तो कुछ होता नहीं है तो ऐसा थोड़ी कहेंगे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता यही तो है दोनों इंटरेक्ट इन कॉम्प्लेक्स वेज टू शेप डेवलपमेंट हाँ कह सकते हैं जटिल तरीके से परस्पर इनकी क्रिया होती है अनुवांशिकता और वातावरण की जिसका प्रोडक्ट आपका डेवलपमेंट होगा बिल्कुल सही बात है सी ऑप्शन है नेवर इंटरेक्ट और इंपैक्ट डेवलपमेंट भाई हर टाइम इंटरक्ट करते रहते हैं हैव जैसे कि कोरोना भी आया था तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया वो आपके जेनेटिक मेकअप कैसा है उससे करके मतलब इवन डिजीज तक आपके हेरिडिटी और एनवायरमेंट के हिसाब से चलती है सबको नहीं होती ना हैव वेरी मिनिमल इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऐसा नहीं है बड़ा इंपैक्ट है इसका तो हम कहेंगे एक जटिल तरीके की पारस्परिक क्रिया करते हैं आपके अनुवांशिकता और वातावरण और हम उसी का प्रोडक्ट है बी ऑप्शन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बहुत ही आसान सवाल लड्डू क्वेश्चन सोते-सोते भी आप इसको कर सकते हैं कई लोग नींद में हैं वो भी इसको बता पाएंगे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच डोमेन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट डील्स विद द अफेक्टिव कंपोनेंट अफेक्टिव इफेक्टिव नहीं इफेक्टिव होता है प्रभावशाली अफेक्टिव होता है भावात्मक ठीक है ना बाल विकास का कौन सा क्षेत्र पूछा है कौन सा क्षेत्र बच्चों के व्यक्तित्व के भावनात्मक घटक से संबंधित है जैसे कि व्यक्तियों वस्तुओं व उसके आसपास के प्रति बच्चों की भावनाएं भावनाओं की बात हो रही है है ना भावनाओं की बात हो रही है और भावनाएं किससे संबंधित है इमोशनल डेवलपमेंट से और इमोशनल डेवलपमेंट कहा है यहां है ठीक है ना सांवेगिक विकास इसका हिंट मैंने आपको एक और क्वेश्चन में दिया था आज अगर आपने ध्यान दिया होगा तो विकास के तीन मुख्य पक्ष P, C, S, और ई e, ये एक साथ ही जुड़े हुए हैं फिजिकल कॉगनेटिव सोशल इमोशनल या सोशियो इमोशनल भी कह देते हैं इस इमोशनल पक्ष को अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं जो बी एस ब्लूम की टेक्सोनॉमी है अफेक्टिव मतलब इमोशन से जुड़े जुड़ा हुआ साइकोमोटर रिलेटेड है मतलब फिजिकल एक्टिविटी से कॉग्नेटिव को हम थिंकिंग डोमेन भी या कॉग्नेटिव ही कहते हैं ठीक तो पूछ सकता है कि फीलिंग एस्पेक्ट ऑफ इमोशंस

इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट यहां ये कह रहे हैं रीजनिंग की बातनेटिव डेवलपमेंट की कहानी तो, तो बनते ही नहीं है भाई जब बात ही कर यही एलिमिनेशन मैथ है कि आप अपनी समझदारी से दो ऑप्शन तो शुरुआत में हटा सकते हैं अगर चाहें तो ठीक है ना तो अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट पहले होता है ग्रॉस मोटर का डेवलपमेंट ग्रॉस मोटर स्किल्स ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियां आपके पैरों पे आपके हाथों पर हाथ भी क्या आर्म्स ये भुजाएं आपकी इन सब पे कंट्रोल आता है आपके शरीर की बड़ी मांसपेशियों पर फिर धीरे धीरे आपका फाइन मोटर स्किल्स सूक्ष्म गतिक कौशल भाई आप चलना पहले सीख लेते हैं पेन पकड़ना या पेन को चलाना बाद में सीख पाते हैं प्रॉपरली ठीक है ना या खड़े होना आप पहले सीख लेते हैं हाथ पैर से रोना आप पहले सीख लेते हैं किसी चीज को पकड़ना आप सीख लेते हैं लेकिन लिखना प्रॉपरली बाद में सीखते हैं तो ग्रॉस टू फाइन की बात हो रही है तो सबसे पहले जो इसमें ग्रॉस टू फाइन जाता है आपका ये डिस्टल से भी जोड़ सकते हो उसको जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट से भी जोड़ सकते हो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से भी जोड़ सकते हो ठीक है ना तो ग्रॉस मोटर स्किल्स चलना फिरना दौड़ना भागना फाइन मोटर स्किल्स आपकी ड्रॉइंग हो गई पेंटिंग हो गई रीडिंग राइटिंग ये सब ठीक क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन अभी एक और क्वेश्चन आएगा इससे खतरनाक इसी टॉपिक पे आएगा आगे जवाब देना फिर उसका

ठीक समझे तो अगर हम बात करें कॉन्टेप्रेरी इससे ये आपको वैसे भी समझ में आ सकता है बॉलीवुड से बहुत अच्छे समझ में आता है लोगों को जैसे हम ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान सलमान खान और आमिर खान क्या है कॉन्टेम्प्रेरी एक्टर्स हैं मतलब अपने समय के अपने समय वाली बात हो रही है कि एक समय में जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं ठीक है ना समकालीन है तो यहां कॉन्टेम्प्रेरी थियरीज की जब हम बात कर रहे हैं मतलब आज के समय की बात हो रही है, है यहां ये अपने आप मान लेना है ठीक है ना तो कौन सी चाइल्डहुड uh, की कौन सी धारणा को ये मानते हैं या डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं बच्चों के ब्लैंक स्लेट मानते हैं भैया आज के समय में ब्लैंक स्लेट नहीं मानते हैं सत्रहवीं शताब्दी में ब्लैंक स्लेट मानते थे सेवनटीन सेंचुरी में जब जॉन लॉक कहते थे कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुलर आसा यानी खाली तख्ती है एम टी वैसल है बच्चे का दिमाग बिहेवियर है कुछ भी भर दो कुछ भी मोल्ड कर दो ऐसा आज नहीं मानते तो ये तो सत्रवीं शताब्दी की बात हो गई आज की बात करो कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स की एक्टिव पर्पफ फुल बींग्रीब्यूटेंशियर डेवेलपमेंट सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी है विकास होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट है सक्रिय भागीदार है बिल्कुल सही बात हैली ग्रोथ भी चेंज यानी विकास की व्यवस्था पहले से ही निश्चित होती है उसको बदला नहीं जा सकता तो फिर तो हम क्यों स्कूल खोल के बैठे हैं, हम क्यों एक्टिविटीज कराएं क्यों हम वाद विवाद कराएं जब सब कुछ पहले से ही निश्चित है तो डी ऑप्शन है जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बींग्स हु कैन नॉट डू एनीथिंग टू ऑल्टर देयर ओन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट यानी जेनेटिकली प्रोग्राम्ड बींगस हैं मान लिया भाई जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है लेकिन ये किसने कह दिया कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर आर ओन डेवलपमेंट या ओन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट क्या हम कुछ नहीं कर सकते अपने डेवलपमेंट में परिवर्तन ये तो कहना गलत हो जाएगा क्योंकि डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल एंड प्लास्टिक इन नेचर ठीक है ना तो बी ऑप्शन एकमात्र सही है कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है अब इससे दो बातें जरूर समझ लें अदरवाइज आप फंस जाएंगे अगली बार क्वेश्चन आएगा तो है ना कॉन्टेम्प्रेरी थियोरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ये आपको पीडीएफ में मैं ऐड करके दे ही दिया था समय लगता है थोड़ा इन सब चीजों में काफी समय लगता है बट आपको हेल्प काफी मिल रही होगी कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्टेम्प्रेरी एक मिनट थियरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सी लिख दिया मैंने थियरीज ऑफ डेवलपमेंट ये भी आप मान सकते हो ठीक है ना कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब है कॉन्टेम्प्रेरी थियोरीज ऑफ डेवलपमेंट ये मानती हैं कि बच्चों का विकास क्या है सोशियो कल्चरल आस्पेक्ट में होता है सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष में होता है यानी बच्चों को एक्टिव रखो जो बात वाइगॉस की भी मानते हैं है ना ये ये नहीं कहते कि चाइल्डहुड कैसी संकल्पना है तो इनके लिए चाइल्डहुड एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें लोग फंसते हैं सभी ने गलत उत्तर भी इस पर बताया है बहुत सारे टीचर्स में गड़बड़ करते हैं ठीक है ना चाइल्डहुड क्या है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है है ना एक सामाजिक परिकल्पना है कॉन्टेम्प्रेरी थियोरीज के अकॉर्डिंग इसका सिंपल उदाहरण जो मैं पहले भी देती आई हूं है ना सोशल कंस्ट्रक्ट है क्या है सोशल कंस्ट्रक्ट है सामाजिक संरचना है क्या विकास जो है या बचपन जो है स्पेशली बचपन का मतलब यहां भाई आपके घर का बच्चा और एक गरीब व्यक्ति घर गर का बच्चा कैसे वो सात साल की उम्र में बाहर बलून बेच लेता है है ना भीख मांग लेता है अपना पेट भर लेता है दुकान से जाके चार चीजें ले आता है और आपके घर का सात साल का बच्चा खुद से दूध नहीं उठा के पी पाता चाइल्डहुड क्या हो गया एज वाला फैक्टर नहीं हुआ फिक्स नहीं हुआ सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया या सोशियो कल्चरल अप्रोच से प्रभावित हो गया तो चाइल्डहुड इनके अकॉर्डिंग क्या है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में देखा जाता है ना कि फिक्स्ड एज में देखा जाता है समझ पा रहे हैं बात को तो ये यहां पे ध्यान रखना है कि एक तो ये मानती है कि बच्चे को एक्टिव बीइंग रखना है जो डेवलपमेंट है वो एक्टिव कंस्ट्रक्शन से होगा बच्चे को सक्रिय रखो आप ठीक दूसरी बात चाइल्डहुड क्या है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है सामाजिक संकल्पना है एज से ज्यादा इंटरेक्शन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट में इंटरेक्शन समाज और संस्कृति किन लोगों में वो रह रहा है और कैसे इंटरेक्ट करेगा

देखिएगा कौन व्यक्ति है जो ये लाल पीले मोजी बना रहा है भाई करा लेना श्रेया देखिए बताइए फटाफट से कौन से फॉर्म की बात कर रहे हो ये तो बता दू डी कह रहे हैं ज्यादातर लोग देखते हैं विकास के बारे में कौन सी बात सही है पहला ऑप्शन डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये जो ओनली वाले ऑप्शंस होते हैं इनकी संभावना अपने आप में ही कम होती है ये एक्सट्रीम की बात करते हैं है ना या तो ये या तो ये बिल्कुल अंतहीन एक तरफ लेके जाएंगे आपको जबकि ऐसा नहीं होता ना लाइफ में ना यहाँ पे डेवलपमेंट के विषय में कि आप एक्सट्रीम में चले जाएं बच्चे के लिए कोई बात ऐसी है जो उसके लिए खतरनाक है तब तब तो आप जा सकते हैं अदरवाइज नहीं तो ओनली वाले ऑप्शन से थोड़ा सा बच के रहना होता है बहुत कम चांसेस होते हैं ये सही हो डेवलपमेंट डिपेंड्स ओनली ऑन on दी हेरिडिटी भैया ओनली कैसे बाकी फैक्टर्स भी तो है एनवायरमेंट भी तो है डेवलपमेंट इज अ टेम्पररी चेंज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ये मैंने आपको पहले दिन ही बताया था जैसे लर्निंग होती है उसी तरह से डेवलपमेंट भी रिलेटिवली परमानेंट है रिवर्सिबल नहीं है मॉडिफिएबल है अच्छा ऐसा नहीं है बस कोई शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रैंडम चेंज नहीं है कोई अचानक से परिवर्तन हो गया डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूज इन अ होलिस्टिक एंड सिस्टमैटिक मैनर यह बात बिल्कुल सही है कि संपूर्ण रूप में होता है आपके दिमाग का आपके शरीर का आपके सामाजिक और संवेगात्मक विकास के सारे पक्ष आ जाते हैं इसमें दूसरा पीओ एस बताया था आपको प्रोग्रेसिव ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल चेंजेस ठीक है ना एक ऑर्डर में क्रम में होता है आगे बढ़ेंगे डी ऑप्शन यहाँ सही था क्वेश्चन नंबर देखिए बहुत छोटा सा क्यूट सा लड्डू सा सवाल है कहता है द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो बाल विकास का क्षेत्र है वो कैसा है, है? बताइए बाल विकास का क्षेत्र कैसा हो बताओ एक एक बार एक और अवैज्ञानिक भैया ऐसा थोड़ी हो सकता है जो इतनी बड़ी रिसर्च यहां हो चुकी हैं वो यूनिटरी है भाई मल्टी डायमेंशनल होगा ना बहुआयामी होगा नॉन साइंटिफिक कैसे हो जाएगा बिना लॉजिक की थियरी प्रूव हो जाएगी कोई भी थियोरी आती है तो उसमें लॉजिक तो होता ही है फिर आते हैं बी ऑप्शन एंड स्टेटिक फिक्स होता तो हम ये नहीं कह रहे होते कॉन्टेम्प्रेरी थियोरीज क्या कहती है चाइल्डहुड के बारे में इतने सारे थियरिस्ट हैं और सब अलग अलग बातें कहते हैं कई बार तो ये डायनेमिक है परिवर्तन इसमें होता रहता है स्टैटिक नहीं है कोई हेरिडिटी थोड़ी कि फिक्स हो गया आपके आंखों का रंग अब बदला नहीं जा सकता कई बार रिसर्च जिस बात को सही कहती है दस साल बाद उसको गलत भी कह देती है है ना तो परिवर्तन तो इसमें होता रहता है फिक्सड नहीं है डेवलपमेंट तो खुद फिक्स नहीं है वो डायनामिक या प्लास्टिक है ठीक डायनामिक है परिवर्तनशील है चेंजेबल है मॉडिफिएबल है इंटर डिसिप्लिनरी एंड डायनामिक अरे वाह ये तो सीधा सीधा ही मिल गया हमको तो इंटर डिसिप्लिनरी यानी विकास ये जो पक्ष हैं वो सब जुड़े हुए हैं बाल विकास बाकी एस्पेक्ट्स में भी प्रभावित करेगा बच्चे का दिमाग शरीर और आपका इमोशनल एस्पेक्ट ये सब क्या आपको लाइफ में प्रभावित नहीं करते बिल्कुल करेंगे तो चाहे आप इसको सब्जेक्ट के रूप में लें चाहे आप इसको व्यक्ति के अंदर माने सब क्या है इंटरडिसिप्लिनरी है अंत व्यक्ति अंत है, व्यक, है विषयात्मक है ये कह सकते हैं तो बाल विकास का जो क्षेत्र है और हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में भी इसका हमें देखने को मिलता है क्योंकि जैसे बच्चे का विकास होगा वैसे वो चीजें सीख पाएगा एम्बिगुअस एंड एंशियंट पुराना हो चुका है और एम्बिगुअस है यानी कंफ्यूजिंग है प्राचीन है और स्पष्ट है ऐसा नहीं है स्पष्टता इस इसमें है अगर कोई पढ़े तो तो सी ऑप्शन इज ओनली राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर बहुत ही प्यारा आप सबका प्यारा दुलारा फेवरेट क्वेश्चन बस इसके ऑप्शन चेंज कर दिए हैं देखते हैं कितने लोग चक्कर खा के गिर जाएंगे ये क्वेश्चन पे अगर आप अटके तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी जो पीरियड्स हैं, स्टेजेस हैं किसके बाल विकास की जो बाल विकास के चरण हैं, जब हम उनकी बात करेंगे तो सही सीक्वेंस कौन सा है यानी सही एक सीक्वेंस में होता है क्रम में होता है एक ऑर्डर में होता है डेवलपमेंट ये बात हमें पता है लेकिन सही ऑर्डर कौन सा यह पूछा है हमसे बताइएगा फटाफट से फटाफट से बताएंगे देखिए इन्फेंसी पहले होता है भैया infancy पहले हो सकता है यदि प्रीनेटल नहीं लिखा होता तो है ना इन्फेंसी क्या है जन्म से दो वर्ष जबकि प्रीनेटल है प्रसव पूर्व अवस्था जब आप गर्भ में है कॉन्सेप्शन पीरियड जिसको हम कह रहे हैं तो भैया पहले गर्भ में जाओगे कि पहले पैदा हो जाओगे है ना तो इन्फेंसी तो जन्म की बात करेगा ना तो जन्म से कैसे हो सकता है जब प्रीनेटल दिया हुआ है ऑप्शन में तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझना है हमें चीजों को ठीक है ना क्लियर है देखो गलत क्योंकि प्रीनेटल बाद में कैसे आ सकता है बच्चा गर्भ में बाद में गया और पहले दुनिया में आ गया वाह वाह फिर क्या जरूरत थी भाई गर्भ में जाने की ठीक तो ये नाइन मंथ्स बिफोर बर्थ है ये जीरो टू टू इयर्स है ये टू टू सिक्स इयर्स है अर्ली चाइल्डहुड हुड अडोलेशन बारह से अट्ठारह वर्ष किशोरावस्था जिसको हम कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड हुड छह से बारह या आठ के बीच में भी कई लोग दे देते हैं बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच की जगह ढूंढ करके मिडिल चाइल्डहुड फिट कर देते हैं तो ये तो गड़बड़ हो गया अडोलेशन के बाद मिडिल चाइल्डहुड भैया ऐसे थोड़ी होता है एक सीक्वेंस होता है कि बचपन बाद में आया किशोरावस्था पहले आ गई है प्रीनेटल अर्ली चाइल्डहुड इन्फेंसी मिडल चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस देखिए प्रीनेटल ठीक था बिल्कुल ठीक था लेकिन इन्फेंसी इसके बाद आना था इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड को बीच में डाल दिया गड़बड़ हो गई बात दिखाना इसमें कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं सेवेंटी एट परसेंट मतलब इससे आसान ऑप्शन दुनिया में अवेलेबल नहीं है आज के समय में फिर भी आप गलत उत्तर दे रहे हैं बताओ सिक्सटी लोग सही दे रहे हैं ये भी खुशी की बात है या सेवेंटी प्रीनेटल बिल्कुल सही है इन्फेंसी बिल्कुल सही है अर्ली चाइल्डहुड एकदम सही है अडोलसेंस सही है बट ये मिडिल चाइल्डहुड हुड यहाँ क्यों डाल दिया भाई तो अगर आपने पूरा क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा आप जल्दीबाजी में वहां जल्दीबाजी ही कराएंगे जल्दी करनी थी जल्दबाजी कराएंगे और नंबर चला जाएगा अब बचता ही एक ऑप्शन है यही सही होगा प्री नेटल इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड मिडल चाइल्डहुड अडोलसेंस बिल्कुल सही बात है अर्ली चाइल्डहुड की जगह अगर लेटर चाइल्डहुड लिखा होता तब भी सही होता तो डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है यहाँ है ना चलिए खैर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिएगा वह भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बाकी हैं। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर नेचर किसको कहते हैं हम प्रकृति को प्रकृति क्या है हेरिडिटी है जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता इसको स्टैटिक मानते हैं या फिक्स्ड मानते हैं भाई आपके आंखों का रंग आपकी थैंक गॉड इसमें ऑप्शन में नहीं मुझे लगा मैंने उत्तर ही बता दिया आपको है ना आपकी आंखों का रंग क्या स्थिर है कि चेंज हो जाता है हर दूसरे दिन अब वो लड़के या लड़कियां ये ना कहें जो अपना लेंस लगा के चेंज कर लेते हैं कि हमारा तो स्थिर नहीं है हमारा तो डायनामिक है तो है ना तो स्टैटिक है फिक्स्ड है हेरिडिटी कोई आसानी से चेंज नहीं होती आपका मन किया आपने कहा ये वाली आंखें अच्छी नहीं लग रही ये वाली आवाज बढ़िया नहीं लग रही चेंज करवाओं उसे है ना ये ऐसे नहीं होता वहीं अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो जिसको हम नर्चर कह रहे हैं पोषण कह रहे हैं तो इसको तो आप कभी भी बदल दो आज आप गांव में रहते हो कल शहर में चले जाओ शहर में रहते हो गांव में चले जाओ देश बदल दो दुनिया बदल दो चांद पे चले जाओ कुछ दिन बाद तो नर्चर यानी एनवायरमेंट प्रकृति एवं पोषण विवाद बोलते हैं उसको एनवायरमेंट को बदला जा सकता है ये डायनेमिक होता है नेचर फिक्स होता है स्टैटिक होता है हेरिडिटी बताइए जरा किसका रिजल्ट है एलिनेशन का मतलब अलग अलग कर दो हेरिडिटी और एनवायरमेंट को नहीं डिसर का वियोजन का फिर से अगेन वही बात अलग कर दो इंटरेक्शन का भाई है ना इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर या प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है इंटरैक्शन होता है